आँख खुलते ही अब्जद हुआ धोती करमन साफर कच्छ सच, ये सब सारी हरूप अब्जद और फिर हरूप मुकतात वगैरह ये सारे सीखने पड़े। और फिर औलिया कराम से रगबत बहुत ज़्यादा, हनफी सुन्नी अकीदा सही अकीदा सुन्नी से, और बरेलवी देवबंदी इस तरफ रुझान नहीं था, है ना। फिर उसके बाद मेरा रुझान गया, मेरे कुछ दोस्त हो गए देवबंद अकायद के। जब मैं फारिग हुआ 2014 में मेरी फरागत हुई थी, तो जब फारिग हुआ तो देवबंद अकायद में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि ये चादर गागर है औलिया कराम पर, ये कहीं ना कहीं दिल को खटक रही थी। और औलिया कराम की जो करामाते हैं, और उनका मैं तहे दिल से ममनून हूँ मशकूर हूँ कि उनको उन लोगों की वजह से मुझे बदलना पड़ा धर्म, धर्म क्या मुझे छोड़ना ही पड़ा गॉड का कॉन्सेप्ट जी। फिर तो उसके बाद पाकिस्तान के एक आलिम दीन है मिर्ज़ा इंजीनियर जी, जब उनकी तकारीर वगैरह सुननी शुरू की तो इतने लॉजिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाते थे कि हमको ये जो हनफी होते हैं और शाफी मसलक मालिकी हम्बली ये चारों गलत लगने लगे। फिर इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से जो इख्तलाफात किए, फिर उस पर गौर फिक्र शुरू किया कि यार इतने बड़े बड़े इमामों के दरमियान तजाद रहा है और हम लोग सिर्फ ये सुनते रहे हैं कि एक दूसरे का अदब करो। लेकिन जैसे रफा यदैन के मुतालिक हदीस रसूल में आता है कि हजूर ने हमेशा रफा यदैन किया और हम लोग रफा यदैन से नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, बल्कि जो पढ़ता था उसको बहुत क्या कहते हैं उसको नीची निगाह से देखते थे कि इसकी नमाज नहीं हो रही। हालांकि हदीस रसूल में है कि रफा यदैन के मुतालिक हदीसें हैं, बगैर रफा यदैन के नहीं है। तो ये सारे अशकालात आते गए इमाम आजम के मुतालिक, लेकिन खामोशी इख्तियार की कि शायद, क्योंकि उलमा इकराम से जब पूछते थे अपने घर में खुद ही हम लोग जब पूछते थे कि इमाम आजम ने ऐसा कहा और इमाम शाफी के नज़दीक दूसरा कौल है, तो घर वाले कहते थे अरे बेटा अभी तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो, आपकी फहम वहां तक नहीं है, है ना। तो ऐसे समझा देते थे। तो हम, मैं मुफ्ती तो हूँ नहीं, बस फरागत हो गई, तो अभी उतनी नॉलेज रहती नहीं है ना, तो ये लगा कि ठीक है ये मुफ्तियाने कराम का काम है। और जब औलिया कराम की कोई करामतें सुनता था तो उस पे मेरा शुरू से ही एक सवाल का सवाल जवाब करने का तरीका रहा है, तो घर में ही पूछ लेता था बड़े वालिद से या अपने वालिद से, तो वो लोग यही कहते थे कि देखिए औलिया कराम का जो कॉन्सेप्ट है ना उस पे आप फिकही नज़र से मत देखिए, वो एक खुदा ने उनको ऐसी कुव्वत अता की है कि वो चलते हुए लोगों का जहन तब्दील कर देते हैं। बस उसी तरीके से मैं देखते देखते मंसूर हल्लाज हैं ये है, बिल्कुल जैसे कि एक अल्लामा जामी वगैरह का शेर है, और किसका शेर है कि जब वो सुनाने के लिए गए कब्र रसूल पे तो हाथ बाहर निकल आया, हुजूर ने उनसे हाथ निकाल करके मुसाफहा किया। और राबिया बसरिया का मुतालिक मशहूर था कि वहज करने गए जुनैद बगदादी तो हर दो कदम चार कदम पे नफल नमाज अदा करते थे, जब वो जुनैद बगदादी काबतुल्लाह में गए तो काबतुल्लाह अपनी जगह नहीं था, तो आवाज़ आई निदा आई, जुनैद बगदादी ने पूछा ये काबा कहाँ है, तो निदा आई कि वो तो राबिया के इस्तकबाल के लिए गया है, तो काबा अपनी जगह छूट के ओहो चला जाना राबिया के इस्तकबाल के लिए, राबिया बसरिया। फिर ये सब ख्याली पुलाव तब लगने लगी जब वो मिर्ज़ा इंजीनियर अच्छा, के वो खिताबात जो को मैंने राबिया सुनना बसरी शुरू हैं, किया जो राबिया बसरी हैं, इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद वो जी। आधी आधी आधे दर्जे में हैं, ये भी आपको पता है। वो बिल्कुल पूरे, नाकसुलक कहेंगे ना, हाँ, नाकसुलक कि कहेंगे वो उन्होंने पूरा दर्जा नहीं उन्हें मिला। सो इस्लाम में एक ही औरत है जो कि ये क्या कहते हैं इसको, क्या लफ्ज इनके लिए यूज होता है, उसके दर्जे में फाइज हैं। नबी तो वो फिर भी नहीं थी, और मरियम, फिर हजरत भी मरियम। नहीं, नॉट मरियम, नॉट मरियम। ये जो इमामों को मतलब दाता साहब को दिया जाता है, अजवेरी साहब को दिया जाता है रुतबा, यानी उसके भी वो आधे रुतबे थी, क्योंकि वो खातून थी। हालांकि खाना काबा उनकी ज़ियारत को गया हुआ है, तो भी वो आधे जी दर्जे जी पे है। वलिया थी, वो हाँ, वलिया आधी थी वली थी, आधा वली थी, जी ठीक है, पूरा वली वो भी नहीं थी, क्योंकि वो खातून थी। हालांकि उनका रुतबा इतना ज्यादा, इतना रुतबा था कि उनके ऊपर बादल हमेशा साया रखता था, फिर भी आधे रुतबे जी पे थी। साहिबान करता था। हाँ, आधे भाई रुतबे पे थी। हुजूर ने कह दिया है, मोहम्मद ने कह दिया है, मोहम्मद साहब ने कह दिया है कि औरतें नाकसुलक ने मन अक्सरियत जहन्नम में औरतों की पाई है, तो फिर हमें तस्लीम करना है मुस्लिम होते हुए, हमें दिमाग तो बिल्कुल। लगाना नहीं है। सिर्फ ये आयशा की बातें और अबू तालिब की बात, अबू तालिब के ऊपर बहुत झगड़ा होता है कि मुसलमान थे कि नहीं थे। अच्छा देखिए मोहम्मद साहब के वालिद अब्दुल्ला, ये तो हुजूर
कि जब विलादत हुई इसके पहले ये फौत हो गए थे, फिर उस पर भी ये लोग इजमा करते हैं नहीं वो भी मुस्लिम थे, कैसे मुस्लिम हो जाएंगे, वो तो ईमान लाए ही नहीं। सही बात है, एकदम सही बात है। फिर अबू तालिब, चचा अबू तालिब के बारे में बताया गया कि परवरिश तो की, लेकिन जब आखिर उम्र में उनसे कहा गया कि आप मोहम्मद साहब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चचा जान आप ईमान लेते आइए, तो अबू तालिब ने यही कहा कि नहीं मैं अपने लातो उज्जा मनात या फिर अपने जो पूर्वज रहे हैं असलाफ रहे हैं उनके दिन पर मैं अपने आपको इख्तिताम करता हूँ। अबू जहल और वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं, अबू जहल नहीं था, अबू जहल की तो मौत हो गई थी, अबुल हकम जिसका नाम था, इन लोगों ने अबू जहल कहते। तो इस तरीके से और अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं अबू तालिब मुस्लिम थे, जैसे कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादिरी साहब कहते हैं कि नहीं वो इस्लाम लाए और उनको मुस्लिम कहा जाए। तो ये सब एतराजात मुझ पर थे, मेरे ख्यालात में थे, फिर मैं देखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने इंडी टीवी आप लोग आए थे ना लाइव, इंडिया टीवी, इसमें इंडिया टीवी, इंडिया टीवी, हाँ इंडिया टीवी उस पे। अच्छा मजेदार बात ये भी है ना कि जब इंडिया टीवी पे आप लोग आए तो आप जो वो लिंक था उसका लिंक हमारे घर के ग्रुप है जिसमें उलमा कराम है सिर्फ घर के, उस पे वो लिंक आया, मेरे बड़े पापा के लड़के ने, बड़े वालिद साहब के लड़के ने उस पे शेयर कर दिया, इरसाल किया, तो सभी ने खोल के देखा, मैंने भी खोल के देखा, तो मैंने उसी पे कमेंट किया कि ये मौलाना हजरत मुदल्लिल जवाब नहीं दे पाए, मुतासिर नहीं कर पाए। हाँ। तो फिर हाँ दूसरे दिन वालिद साहब से मुलाकात थी, बैठे थे हम लोग खाना खा रहे थे, तो वालिद साहब ने हमसे कहा कि ऐसे ऐसे मौलाना को बुला ही लेते हैं कि ये लोग जवाब ना दे पाए बिल्कुल हल्के फुल्के। तो फिर मन ही मन सोच रहा था वालिद साहब मैं आपके सामने हूँ, मैं भी एक से मुस्लिम हूँ। जिस दिन हकीकत आया हो गई, मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। गाइस ये आप देखिए, सबसे पहले तो हमारे इमाम साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स, और जितने लोग देख रहे हैं वो इमाम साहब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़े। और दूसरा आप लोग देखिए कि ये जो मूवमेंट है वो इतना जबरदस्त तरीके से इसका काम चल रहा है कि जो उलमाए दीन है, जो आलिम है, जो यानी फरागत उनको मिली है, मदरसे में पढ़े हैं, उनके दिलों में भी ये असर कर रहा है और वो भी बाहर निकल रहे हैं। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जो हमारे साथ साजिद साहब जुड़े हैं, इन्होंने बताया कि इनका जो पूरी फैमिली है इसमें कई सारे उलमा है, लेकिन ये जब इन्होंने अपना दिमाग लगाया, सोचा, इख्तिलाफ को देखा, कई सारे इख्तिलाफ है सुन्नियों में, शियाओं में, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जब इनके जहन में आई और इन्होंने हमारे चैनल्स भी देखे तो वो पुख्ता होती गई वो डाउट्स, और बिल आखिर ये बाहर निकल गए। ये असर हो रहा है हमारे मूवमेंट का। साजिद साहब, आप जो हमारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं चैनल को या वीडियोस को, उनको क्या आप मशवरा देंगे? मशवरा तो मैं यही देना चाहूँगा कि ठीक है आप मुस्लिम हैं, लेकिन अपनी जान के खातिर, इज्जत के खातिर, आबरू की खातिर, ठीक अपने आपके जहन के मुतालिक कि अपनी जबान को अगर गंदी नहीं करना चाहते हैं या कुछ बोलना नहीं चाहते ठीक है, लेकिन बस इतना सीरियसली मत लीजिए इस्लाम को। आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, धंधे पे ध्यान दीजिए, कारोबार पे ध्यान दीजिए, इतना सीरियसली ना लें कि सब कुछ छोड़ करके आप इस्लाम के पीछे पीछे लगे। ये महशर और ये रोज़े क़यामत, ये दज्जाल, ये याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। मैं महदी, इमाम गायब, इमाम ज़माने, ये कुछ नहीं आने वाले। आपके तकदीर और आपके हाथ में तभी तक जब तक आपकी उम्र है 60 साल 70 साल, इंजॉय कीजिए। अच्छा साहिल भाई मैं एक बात और बताऊँ कि जी, मैं जी। इमाम भी हूँ, नमाजें भी पढ़ाता हूँ। अच्छा लेकिन जुमा नहीं पढ़ाता मैं अभी, है ना, जुमा की नमाजें कभी कभी वाले साहब नहीं रहते तो मैं उनकी इमामत कर लेता हूँ, लेकिन अभी खुतबा वगैरह या तकरीर करने से इस्तनाब करता हूँ, अभी वाले साहब हैं तो। अच्छा ये है ना कि जब से आप लोगों ने लाइव आए थे इंडिया टीवी पे, उसके बाद तो मैं बिल्कुल, मैंने बिल्कुल तर्क कर दिया इस्लाम को, और फिर अच्छा। ये करता हूँ कि जुम्मा के दिन मैं 5 वक्त तक नमाज पढ़ाता हूँ, वो मेरी मजबूरी है, लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, एक मुस्लिम के पीछे, मुलहिद के पीछे, एक काफिर काफिर के पीछे, पीछे नमाज पढ़ते हैं। और मेरी करत बहुत अच्छी है, बहुत उमदा है लोगों की नजर में, अब मेरी क्या है तो और थोड़ा बहुत हाफिज कुरान भी हूँ 7 पारे का। और दूसरी बात यह कि जुम्मा के रोज मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, जुम्मा के बहाने, क्योंकि उस दिन मुझे बचना है, उस दिन मुझे नमाज पढ़ानी नहीं, उस दिन मैं थोड़ा जाता हूँ पहाड़ की आड़,
हाँ पहाड़ की आड़ में जाता हूँ नदी किनारे बैठ के, वो फिर किंगफिशर चलती है ना, क्या बताऊँ, या फिर बडवाइजर या किंगफिशर, वरना अरे कसम मजा आ बाप जाती है। जो सब सही है भाई जी, सब छका रे। और अल्लाह जो है वो उस्ताद बचा भी नहीं भाई पा भाई रहे, अल्लाह बचा साहिब भी नहीं पा रहे, मोमिनों की नमाज पूरी जाया हो गई। भाई मैं वहीं तुमको मैं पे बोल रहा हूँ रहता ना, हूँ ऐसे बहुत लोग तो है भाई इन जैसे शायद ना, जो इन लोगों बन, को हिम्मत हाँ नहीं हाँ आके बोलने की, समझे, ऐसे मैं वहीं बहुत पे लोग है। रहता हूँ, जो जब लेकर के किंगफिशर या बडवाइजर लेकर बैठता हूँ, तो शायद सोचता हूँ कि कोई फरिश्ता आ जाए, मेरी अजल अभी वाकई हो जाए, हाँ, शायद फेंक रहे मिसाइल आ बोतल, जाए, आग से बोले इसराइल आ क्या पी रहा जाए। है, हराम चीज पी रहा वो है। हाँ, और वो कहते हैं ना, टाट में लपेट करके बदबू छोड़ते हुए मेरी रूह निकल जाए, शायद देखिए इत्तेफाक हो जाए। ताहदे निगाह फरिश्ते रहे अजाब अजाबात के, फिर मैं चीखता चिल्लाता रहूँ, काश मेरी रूह को वापस लौटा दिया जाए, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, लेकिन ऐसा हो गया, किस अच्छा, गफलत में जी रहे लेकिन हैं। लेकिन साजिद साहब, फिर तो लोग अभी जैसे मोमिन भाई है वो तो ये कहेंगे कि आप बडवाइजर और ये किंगफिशर की वजह से इस्लाम छोड़ा आपने। अरे नहीं, ऐसी बातें नहीं है भैया, अगर आप कहेंगे तो मैं किंगफिशर भी छोड़ दूंगा, जिस तरह अल्लाह को छोड़ा, मोहम्मद को छोड़ा। हाँ नहीं, अगर उसके सामने कोई साबित आ गया, कुछ प्रूफ आ गया उनके सामने, नहीं तो मैं भाई ये छोड़ प्रूफ देंगे, करूं बियर भी कि छोड़ देंगे बराबर ना। नहीं, ऐसा है ना कि किंगफिशर पीना, दारू पीना या ये सब पीना अच्छी बात, अच्छी बातें भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ हराम कर देना और इसकी इतनी नकाह से देखना, ठीक है, अगर जैसे कि मेरी उम्र ऐसी है कि मैं अभी बाप नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा पिएगा, मैं उसको मना करूंगा, बेटा ये अच्छी बातें नहीं है ना उस हद तक, लेकिन उसे कत्ल कर दिया जाए या उसको कोड़ों की सजा दी जाए, यहाँ तक भी सही नहीं है ना। ठीक सही है, बात है, ये शिद्दत सही बात, पसंदी बहुत है इस मजहब में। हाँ, शिद्दत पसंदी नहीं होना चाहिए ना। अच्छा साहिल भाई, एक सवाल मेरा हाँ भाई, इनसे है इमाम साहब। इमाम साहब, तो जो अपने इंडिया के मुसलमान जो इस्लाम फॉलो करते हैं और अफगानिस्तान के जो फॉलो करते हैं तालिबान लोग, तो दोनों में सच्चा इस्लाम आपके हिसाब से कौन सा इस्लाम सच्चा है? मतलब हाँ कौन मेरे सच्चे हिसाब मुसलमान है? से सच्चे मुसलमान तो तालिबानी है, वो मर मिटने के लिए तैयार है, यहाँ तो अंधे सही बसते कह। हैं, वो जिस तरह उनके रसूल ने किया उस तरह वो करते हैं, गर्दन अलग डायरेक्ट, ठीक है, फॉलो करते हैं। यहाँ वाले तो हाँ, मिलकर नल्ले रहते हैं, मुसलमान मुस्लिम भाई, हिंदू दूध पाओ मुस्लिम भाई मुसलमान भाई भाई, समझ है गया ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा है, हमारे नबी ने समझ ऐसा कहा, हमारा धर्म सबको सिखाता है, मुस्लिम क्या कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गया। हाँ ऐसा मुसलमान यहाँ के कहते हैं, लेकिन वहाँ वाले जैसे बोको हराम है, नाइजीरिया वाले, तो वो शिद्दत पसंद है, शिद्दत पसंद है, जैसे उनके नबी थे, है ना, मोहम्मद वो साहब के कहते हैं करीब। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता, मगर मजहब 12 बोर रखना सिखाता है। जी, अच्छा साहिल भाई, ये मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो अरे मैंने, हाँ क्या भाई, एक कंग्रेचुलेशन, एक पत्ता खोलते जा रहे हैं आप। अरे खोलता रहूंगा तो हाथ में आ जाएगी लोगों के, कंग्रेचुलेशन तो बोल दीजिए, बड़ी खूबसूरत है वो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, भाई। हाँ, क्योंकि स्ट्रीम वो भी देखती है अच्छा, तो अरे वाह। हाँ अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे अपने इस्लाम वाली है कि दूसरे धर्म की है? अरे भाई जान, आग लगा दी आपने, वही तो मैं बताने जा रहा था, सुकूत अख्तियार करें। अच्छा हाँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, शुरू शुरू में मैंने उसको बताना शुरू किया कि देखिए ऐसी बातें वैसी बातें, अपने तक महदूद रखना भाई, अभी भी डर लगती है, कोई मेरी आइडेंटिटी छुपा के आना पड़ता है, नाम तब्दील करके आना पड़ता है, तो मैंने बताया शुरू शुरू में, तो उसने तजब्ब का शिकार हुई और कहा कि नहीं साजिद तुम गलत जा रहे हो, बहुत गुनाह पड़ेगा। अच्छा 2 महीने के बाद इतना कन्वर्ट हो गया कि डायरेक्ट माँ बहन की गाली देने लगी, मैं तो इतना करता हूँ, मैं परहेज करता हूँ, मैं आलिम दीन होने के नाते मैं परहेज करता हूँ, लेकिन अब वो फटते हाँ। खुल जाती है, आज वो इस्लाम का नाम, मोहम्मद का नाम लेने पे, ओ बाप रे तो बाप, चलो ये मुझसे आपके बड़ी लिए बहुत बहुत दुविधा। कॉन्ग्रेचुलेशन के जो आपकी गर्लफ्रेंड है, कम से कम वो भी इस जंजाल से बाहर निकल गई है। जी, बिल्कुल निकल गई है, और मैंने किसी और लोगों को सिर्फ डायरेक्ट बताना मुनासिब नहीं समझा कि उसमें खतरा है, और नहीं 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 अपनी भाई, जैसी सेफ्टी का तुम्हारी बहुत गाड़ी चल ख्याल रही है रखना। ना, जैसी तुम्हारी गाड़ी चल रही है, नमाज उमाज पढ़ा के वैसे चलने दो भाई, बाकी आंख खुली रखो, दिमाग खुला रखो, बस समझे इसीलिए ना क्या, भाई जान, मैं नमाज भी पढ़ा रहा बाकी हूँ, सब चालू रहने दो मकतब शो के लिए बस। ये मुसलमान बाकी के के, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे ही है भाई, खाली शो के लिए जाते हैं नमाज में बस, बाकी अंदर से लेकिन हाँ अभी बोलने की हिम्मत कोई करता नहीं है भाई।
नमाज भी, नमाज कौन सी दुरुस्त है? फिर पूछे तो सही, वो मुस्लिम से पूछे कौन सी नमाज दुरुस्त है। अच्छा वो देवबंद अकाइद के कहते हैं कि नाप के ऊपर बांधना है, अहले हदीस कहते हैं नाप के ऊपर बांधना है, सीने पे बांधना है हाथ को नमाज में, वरना नमाज नहीं होगी। और हनफी एक कहते पैर हैं कि इधर नहीं नाप के नीचे रखने बांधना का, है। एक पैर इधर रखने का, एक पैर इधर भी रखने का है ना, दूर दूर पैर रखने के, हाँ नजदीक रखने के पैर। कई एक तरीके से भाई, कौन सी नमाज दुरुस्त है? हम जो नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं, माथा रगड़ रगड़ के काला कर लिया है बिलाल हबशी की तरह, तो वो क्या फालतू रहेगा चला जाएगा? भाई वो माथा रगड़ रगड़ के जो काला मसा आता ना भाई, वही कब्र में रोशनी देने वाला है, उसमें लाइट निकलेगी भाई। हालांकि हाँ भाई वो उसमें लाइट फंगल निकलती है, इंजेक्शन सच है। में। अपनी गर्लफ्रेंड की जबान में अगर हम बोलते तो गाढ़ से भी रोशनी निकलेगी, लेकिन क्या बताएं कि तौबा तौबा तो अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा साजिद भाई, कुछ एक यार बेहतरीन आवाज में अजान सुना दो यार, हम सबको जमाने से सुने नहीं अजान है असल में भाई। सुनो सुनो सुनो, सुनाने के पहले एक बात सुनो भाई। जी अजान के टाइम पे शैतान भाग जाते हैं, अगर शैतान, अगर अपुन शैतान है भाई, तो अपुन सब भाग हाँ जाएंगे भाग अजान जाएंगे, सुनते के साथ। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, भागे ये तो भाई मजा आ मैटर जाएगा। खुलिए। हाँ फिर सुना अजान का दो मुतालिक है ना, नफ्से अमारा नफ्से लवामा, ये सारे तो मुझ में जमा है, मेरा शैतान कब भागेगा मैं देखता हूँ पहले। ठीक है अगर अजान, अच्छा अगर अजान की जगह मैं कोई सूरा सुना दीजिए। हेलो साजिद भाई की पार्टी में आवाज चली भागते हैं गई है। अजान, अजान से पार्टी में हाँ जा भागते रही आवाज, हैं। हाँ आवाज साजिद जा भाई रही है आ रही आ आ रही रही है, है। बताइए अच्छा सूरा चलिए सुना कोई दीजिए। सूरा, सूरा को तजवीज करें जैसे कि कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह सूरा सुना दीजिए, सूरे नबा सुना दीजिए, बहुत बेहतरीन सूरा है। सूरह रहमान, ये हाँ सूरे रहमान, जबरदस्त। भाई सब सूर्य शैतान रहमान बहुत चुप होकर लंबी नहीं हो रखता है। जाएगी क्या? नहीं, कुछ आए थे भाई, अभी पूरा आधा घंटा लग जाएगा फिर। वही बोल रहा हूँ। साजिद भाई की आवाज जो है वो बंद हो जा रही है, मेरे ख्याल से शैतान जो है वो हावी होते जा रहा है। माँ तुकत दीबान अर्रहमान अल्लम अल कुरआन खलक खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या साहिल भाई? नहीं नहीं आ रही थी, अभी अभी आ रही है, बताइए। अरे कब से हाँ मैं पढ़ा? अच्छा वो में, अच्छा सूरह रहमान के बारे में कह रहे थे यार। माइक भी जी उठा जी हुआ है हाँ कम्बख्त, शैतान शैतान मरदूत पर लाना तो साला मुझको बहका रहा था, जी इस्लाम के जी खिलाफ बोलिए। सुनाइए खैर सुनाइए। अच्छा चलिए, शैतान मरदूत से पहले मैं दुआ मांगता हूँ, फिर मुझे बहकाने की कोशिश करे। अभी बहकाएगा? हाँ देखो बहका दिया, ठीक आ गया जी मैं। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हो हाय हाي हाय بسم الله الرحمن الرحيم। आवाज प्रॉपर जा रही है ना? ठीक बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, है बहुत ठीक है, उम्दा। जी फिर आप लोग पहले मेरी आवाज का भी, फिर सूर्य रहमान का भी। जी जी बिल्कुल अर्रहमान علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है यार। यार जो बाकी मौलवी हजरत है तुम क्या बनोगे यार मौलवी। देखिए ये साजिद भाई क्या किरत, आय हाय 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 हाय, बहुत उम्दा यार, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये हो सकता है कि हमारे जो नॉन मुस्लिम व्यूअर्स है उनको इसकी अहमियत ना पता हो, लेकिन जो मोमिन व्यूअर्स है वो इसकी अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई किसी के अंदर ये सलाहियत है कि वो अच्छे से अगर किरत कर सकता है तो उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत बहुत वैल्यू है। बहुत जबरदस्त यार साजिद भाई, बहुत जबरदस्त। सूरह रहमान से, सूरह रहमान से कोरोना भी भाग जाता है भाई। हाँ पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में इलाज होता है, सूरह रहमान की सूरत सुनाई जाती है पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को, और उनसे इलाज उनकी ठीक किया जाता है उनको सूरह रहमान। जी मैंने सुना था कि वो दिल के अमराज में जो शिकार होते हैं, दिल के मरीज है ना, तो उनके इलाज के लिए सूरह रहमान की तिलावत वहाँ पे लगाई जाती है और दिल के अमराज जितने होते हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी असल मौसीकी में वो जाज़िबियत है तो कुरान में जाज़िबियत नहीं है, मौसीकी में जाज़िबियत है। सही बात है, वही साजिद भाई वही हम कई सारी मस्जिदों में देखते हैं जहाँ पे इमाम जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ता, वहाँ नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता। तो असल जो जादू है, असल जो अट्रैक्शन है वो कुरान में नहीं है, वो पढ़ने वाले के ऊपर है। सही बोले भाई। अभी किसी आम आदमी को बुला लीजिए, भेड़ा के भा भा चिल्लाने लगेगा, और किसी अच्छे कारी को बुला लीजिए, कारी शरीम को लगता है कि वाह क्या कहा, अगर उसे ओम नमः शिवाय भी कहलवाइए प्यारी आवाज में कारी शरीम इमाम काबा से, वो भी अच्छा लगेगा। हाँ सही बात है, सही बात है। फिर मैं सॉन्ग वगैरह भी गाता हूँ, अब तो भक्ति वगैरह का सॉन्ग गा लेता हूँ, जिसमें दिल हमारा लगता है ना, नदी के किनारे बैठता हूँ वो बडवाइजर लेकर, फिर ऐसे ऐसे हमारे पर वही नाजिल होती है ना उनको आपकी किरत कैसी लगी जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, बिना मतलब ये जाने ये समझे कि ये एक्स मुस्लिम है, आप सिर्फ ये बताइए कि इनकी किरत आपको कैसे लगी, सूरह रहमान की जो तिलावत इन्होंने की है आप उसके बारे में बताइए, ताकि हमारे साजिद भाई की भी हौसला अफजाई हो जाए। मोहम्मद भाई कह रहे जजाक अल्लाह शुक्रन कबीरा। हाँ जजाक अल्लाह खैरन व अहसनुल जजा। साहिल भाई इनको पूछो कि इन्होंने खाली ये कुरान का एजुकेशन लिया है कि दुनियावी एजुकेशन भी आपने किया है? नहीं हाँ, ये भी यही मुझे असल में इस्लाम से फिर इतनी ज्यादा चिड़की होने लगी कि वो जो मैंने 14-15-20 साल मैंने इस्लाम को दिया और एजुकेशन पे उर्दू तलफ़ुज़ की अदायगी में, चाहे अरबी में चाहे फारसी में, अगर वो मैं दुनियावी एतबार से साइंस है या बायोलॉजी लेता तो मैं आज क्या होता, सारी जिंदगी। सही बात है, बस यही पूछना था आपको मेरे को, बस वो जिंदगी खसारे में चली गई। आज मैं क्या करता हूँ, लड़कों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उससे पैसा मिलता है, ठीक है, और कुछ और भी जरिया आमदनी है जो मैं खुल के बतला नहीं सकता वरना आइडेंटिटी में दिक्कत आएगी, तो नहीं नहीं बताइए। हाँ लेकिन ऐसा काम नहीं है जिसमें मैं खुशहाल रह सकूं खुद, अगर वो मैं दूसरे एजुकेशन पे ध्यान देता, क्योंकि मेरे दिमाग अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है और वाहेगुरु की क्या कहते हैं वो है, और ठीक है बहुत बेहतर है, तो जल्दी समझ आती है कोई बात नहीं। अगर मैं किसी और फील्ड में जाता तो मैं आज कुछ बन गया होता, IAS IPS, अपने देश के लिए कुर्बान होना फख्र समझता, ऐसा कुछ करता, लेकिन आज हाय अफसोस। नहीं लेकिन हमारे साजिद भाई मतलब ठीक है, आपकी लाइफ का जो एक बड़ा हिस्सा जो है आपने इस चीज में लगा दिया जो कि वो काम नहीं आने वाली आपके, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी जिंदगी आपकी खत्म नहीं हुई है, आप कुछ कंप्यूटर कोर्स करिए या फिर कुछ ऐसा करिए ताकि आप एक जो दुनियावी तालीमात है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आप फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं जिसमें अच्छी खासी कमाई होती है, आप उसमें कोशिश करिए तो ज़िंदगी आपकी जो जिस तरीके से आप गुजारना चाहते हैं अच्छे से वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखिए ये हालात हज़रा को देखते हुए
साहिल भाई देखता हूँ ना कि अब इंग्लिश का दौर है ना, इंग्लिश वगैरह जहाँ पे समझ सके, और मुझे इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। मतलब पढ़ लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, लेकिन टफ अगर अल्फाज आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो वो 20 साल मैंने जो मदरसे में दिए, अगर वो 20 साल मैंने किसी कॉलेज में दिए होते। अच्छा, एक ओम साहब है, ये म्यूजिक कंपोजर है, ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ओम जी, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं किसी तरीके से कांटेक्ट करवा दूंगा। बल्कि हम एक इस तरीके का, एक्स मुस्लिम समीर ने भी मुझे मैसेज भेजा था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मैं भी जुड़ूंगा, और फिर हम देखेंगे कि किसी तरीके से जो भी एक्स मुस्लिम अगर बाहर निकलता, मतलब आता है इस्लाम से, और उसको जॉब की प्रॉब्लम है या किसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, तो हम उनकी वो परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का होना और आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत लगेगी, तो ये आगे का प्लान है। तो मैं बस एक ही कहूँगा, अगर जो हमारे साजिद भाई जैसे इंसान है, लोग हैं, वो बिल्कुल नाउमीद मत हो, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, खास करके जो